नमस्ते साथियों, आज हम जानेंगे ब्लॉक स्टेटमेंट के फेल्यूर में। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम रहता है, हम पूरा ब्लॉक स्टेटमेंट के बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी है, चाहे फेल्यूर में घंटों घंटों लगे रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको थोड़ा जानकारी रहना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप ऐसे लाइन क्लियर में ब्लॉक करते हैं। लाइन क्लियर करने के बाद में जब आप ट्यूल करने जाते हैं तो ये बहुत हार्ड जाता है। इतना हार्ड जाता है कि मास्टर दोनों हाथ से लगाता है फिर भी ट्यूल में नहीं जाता, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लाइन क्लियर में इजी चल रहा है तो ऐसे केस में दोस्तों आप क्या करिए, यहाँ से एक ऐसा पिन रहता है, पिन निकाल लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए और यहाँ से प्लंजर को बाहर निकालिए ट्यूल में करने के बाद। अब ये देख रहे हैं, ये प्लंजर है या आर्मेचर भी बोलते हैं इसको, आर्मेचर ही बोला जाता है। अब ये जो आर्मेचर है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन जो काला काला दिख रहा है ना, इसको थोड़ा फाइल करके घस दीजिए, यहाँ पर से पतला कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूल से लाइन क्लियर से ट्यूल ले जाने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस तरफ से कभी नहीं करिए कि इस तरफ से इसका डिजाइन किया हुआ है। ये देखिए, ये इसमें रहता है ऐसा। अब जब आप लाइन क्लियर ट्यूल करते हैं, जब जैसे आप लाइन क्लियर में करते हैं, ये लीवर पर से जो आपका ये लीवर है, जो लीवर है यहाँ से नीचे आ जाता है, इसके जो अपना बटरफ्लाई के ऊपर जो हैंडल के ऊपर जो खांचा है उसमें आ करके हो जाता है, आ जाता है, ताकि वो जब ट्यूल में करे तो फुल नॉच में जाके गिर जाए। लेकिन अभी देखिए ये जा नहीं रहा है, इजीली तकलीफ हो रही है। इसमें खांचा मारी हुई आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा इसमें खांचा मारा हुआ है ना, ये खांचे में ही अटकता है क्योंकि मोटा हो जाता है। तब आप इसको ऊपर क्या करिए, इसके ऊपर वाला पोर्शन को, इसके ऊपर वाला पोर्शन को इस तरह से इसके ऊपर वाला पोर्शन को फाइल कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि इजी चले। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होता है कि आप कभी कभी आपका लाइन क्लियर करने में भी और ट्यूल में भी ब्लॉक दोनों में हार्ड हो रहा है, तो उस समय क्या करिए, तो समझिए कि आपका जो है हैंडल जो है जाम है। तो आप इसके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के नीचे में ऐसा एक शुरू रहता है, इसको खोलिए और उसमें पतला वाशर दे, मतलब लूज रख के रख दीजिए, तो क्या होगा, आपका हैंडल फ्री हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक बॉल होता है, बॉल क्या करता रहता है, और उसके तीन खांचे रहते हैं, एक लाइन क्लियर के लिए, एक ट्यूल के लिए और एक लाइन क्लोज के लिए, इस तरह से खांचे रहते हैं। तो अपने आप ऐसे बॉल उसको क्या होता है, जैसे ऊपर से उस ऊपर के स्लॉट से नीचे आता है उसमें इसी इधर ढकेल देता है, यानी एक के ऊपर से जाने के बाद ढकेल देता है। तो जब भी आप इस स्क्रू को लूज करेंगे तो ये हैंडल क्या होता है, सॉफ्ट हो जाती है लाइन क्लियर ट्यूल में। लेकिन आप लूज करके छोड़िए मत, उसको बाहर पूरा निकाल लीजिए, एक आप छोटा सा उसी साइज के वाशर डाल दीजिए उसमें, और डालने के बाद में आप इसको टाइट कर दीजिए, देख लीजिए कि हमको कितना पर बराबर ये हैंडल फ्री रह रहा है, उतना पतला वाशर डाल करके और उसको टाइट करिए। हम बात करेंगे आपका नीडल, कभी मान लीजिए आप यहाँ से लाइन क्लियर किए, लाइन क्लियर करने के बाद नीडल इतना तेज़ी से नहीं घूम रहा, एकदम धीरे जा रहा है, चाहे आधा पलटक रहा है। इस तरह से आपका ट्रेन ऑन लाइन करने पर या लाइन क्लियर करने पर एकदम नीडल धीरे धीरे घूम रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सर्किट का वोल्टेज कम हो गया। तो IPS का वोल्टेज आप कम करते नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ कि हाई रेजिस्टेंस हो गया। तो हाई रेजिस्टेंस दो कारणों से हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है कि आपका अर्थ हाई हो गया, अर्थ कनेक्शन वगैरह में रेजिस्टेंस हाई हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यह डबल वायर पर चलता है, टेलकॉम का दो दो वायर पर चलता है हमारा, अपलाइन दो डाउन लाइन के लिए, तो एक वायर आपका उसमें से डिस्कनेक्ट हो गया या लो हो गया। ऐसे केसों में आप दोस्तों आप चेक करिए, यदि IPS का वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं आप तो IPS रूम में जाइए। कभी कभी सिंगल कंडक्टर पर भी आपको चलाना रहता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को, तो वोल्टेज बढ़ाइए। बढ़ाने के लिए चलिए हम बताते हैं आपको कैसे बढ़ाएंगे। अब आ गए हम IPS रूम में, यदि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लॉक लाइन अप यानी अडेप्टर साइड स्टेशन के नाम से लिखा हुआ है। इसके कितने मॉड्यूल है, दो मॉड्यूल है, ये HBL का है। अब यहाँ पर मीटर का सॉकेट लगा रखिए, आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो पहले एक को बंद कर दीजिए, इसको या इसको, किसी एक मॉड्यूल को बंद कर दीजिए। जैसे देखिए इसका स्विच पीछे है, स्टेटकन में आपको क्या रहता है, पीछे रहता है, आगे ही स्विच रहता है, इसमें पीछे स्विच दिया हुआ है, तो हम पीछे आ करके इसका स्विच बंद कर देंगे। हम पीछे आएंगे, यहाँ इसकी स्विच है,
एक स्विच को बंद कर देंगे। अभी हमने एक को बंद कर दिया, एक को बंद कर दिया, एक का वोल्टेज हम अपने हिसाब से बढ़ा घटा लेंगे, जितना हमको चाहिए उतना बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ, यहाँ से हम इसका वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। फिर एक का हो गया, उसके बाद दूसरे का स्विच ऑन कर लीजिए, ऑन करने के बाद इसका वोल्टेज बढ़ा लीजिए, इसको उस समय बंद रखिए, इस तरह से इसका एडजस्टमेंट करेंगे। यदि अर्थ में रेजिस्टेंस है आपको, तो आप क्या करेंगे उस समय, ब्लॉक उसमें चल नहीं रहा है, नीडिल आपकी आधी पही लटक रही है, इसे करंट बढ़ नहीं रहा है, बाकी सब चीज़ बराबर, अर्थ हाई हो गया, अर्थ रेजिस्टेंस हाई हो गई, चाहे अर्थ रेजिस्टेंस 10 ओम से ज़्यादा हो गया, तो आप तुरंत उसको इमिडिएटली अटेंड करना चाहते हैं तो आपको मेटालिक रिटर्न देना पड़ेगा, यानी कि T6, यहाँ जो T6 है आपका, यहाँ का T6 से लेकर दूसरे स्टेशन का T6 तक वायर मारना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मेटालिक रिटर्न। या जो आपका फिल्टर यूनिट का अर्थ यूज होता है, आपके दो अर्थ होते हैं, एक फिल्टर का और एक ब्लॉक का, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, एक साइड का जिधर का आपका फिल्टर यूनिट है और अर्थ है तो उसको कनेक्ट कर दीजिए, एक सोल्यूशन है। लेकिन हाँ, आपका हाई रेजिस्टेंस हो गया या वोल्टेज कम हो गया, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले इधर जो फिल्टर यूनिट होती है, ब्लॉक फिल्टर यूनिट, इसमें आपका जो TS1, TS2, TS3, TS4 टर्मिनेशन होता है, वहाँ करंट चेक करिए, इस स्टेशन में चेक करिए, आपके जो बाजू वाला स्टेशन होता है वहाँ भी आप चेक करिए, दोनों तरफ करंट बराबर है, कम कम आ रहा है, 15 मिली एम्पियर आ रहा है, चाहे 10 मिली एम्पियर आ रहा है, तो समझिए कि आपका हाई रेजिस्टेंस हो गया है, तब आपको और चेक करना है, या डबल वायर है तो सिंगल वायर हो गया है, एक वायर आपका पूरा ओपन हो गई है, जो टेलीकॉम की केबल होती है, क्वाड केबल होती है, ये हो सकता है। लेकिन करंट आपका एक तरफ ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, माने इस स्टेशन में आपका करंट कम है और जहाँ लाइन के घुमा रहे हैं वहाँ ज़्यादा आ रहा है, दूसरा स्टेशन में कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे स्टेशन में आपका दूसरे वाला स्टेशन में, जैसे स्टेशन बाजू वाला स्टेशन से कनेक्ट है, अडप्टर लिया है, यहाँ कनेक्ट है, तो वहाँ यदि करंट कम आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है, जो कंडक्टर है आपका अर्थ हो रही है, इसीलिए जिधर जिधर हैंडल घुमाएंगे वहाँ नीडिल तो धड़ाक से घूमेगी, तेज़ी से घूमेगी, लेकिन रिले इनका जो नीडिल है, टॉप नीडिल, वो स्लोली स्लोली घूमेगा या तो घूमेगा ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि शॉर्ट हो गया। तो ऐसा केस में आप करंट चेक करिए, खोलो भाई, ये आपका ब्लॉक फिल्टर यूनिट है, ब्लॉक फिल्टर यूनिट में सेंडिंग एंड में यदि आप TS1 TS2 रखे हैं, तो इसमें से कोई एक लीड डिसकनेक्ट करिए और यहाँ के बीच में मीटर का लीड लगा के करंट में लगा करके सीरीज में लगा करके सीरीज में इस तरह से मीटर का लीड लगा करके करंट चेक कर लीजिए। अरे वोल्टेज बहुत कम है हमारा, करंट बहुत कम है 5 मिली एम्पीयर 6 मिली एम्पीयर करंट दिखा रहा है। एक्चुअली हमने डेमो के लिए वोल्टेज कम किया है यहाँ IPS से। यहाँ पर आपको यदि वोल्टेज देखना हो, यहाँ पर यदि आपको वोल्टेज देखना हो, तो यहाँ से आपको एक मिनट, यहाँ तक फिल्टर यूनिट तक सब बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर अर्थ है आपका, अर्थ यहाँ भी है, अर्थ यहाँ 4 नंबर पर भी है, तो 4 पर भी लगा के अर्थ चेक कर सकते हैं वोल्टेज कितना है। तो यहाँ देखिए साथियों, 7 वोल्ट बता रहा है, तो ये अर्थ पर रख के चेक कर सकते हैं, 1 नंबर पर भी चेक कर सकते हैं, 1 नंबर पर लगाने का इधर दिखाओ, TS के बीच में, इस तरह से TS के बीच में रख के 1 नंबर पर भी रख के चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारा वोल्टेज यहाँ पर कितना बता रहा है, 7 वोल्ट, क्योंकि हमने वोल्टेज IPS से कम किया हुआ है। तो ये रहा फेल्यूर के बारे में, ब्लॉक के कुछ फेल्यूर के बारे में, जो आप इजीली आराम से कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं।